फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी प्रतीक सर, क्या कुछ बताएंगे एज एन होस्ट, अब आप शुरू किए अपनी लाइफ की जर्नी को, क्या कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे ऑडियंस को? जी बड़ा ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा आज तक, सिर्फ कलाकार के तौर पे आप सबने मुझे देखा होगा, किसी कहानी का एक कलाकार ऐसे देखा होगा। इस बार पहली बार मैं सूत्रधार बन के आ रहा हूँ, एक एंकर बन के आ रहा हूँ जो कहानियों को आप तक पहुँचाएगा, और मैं समझता हूँ कि जितना करते हुए मुझे मज़ा आया है उतना ही देखते हुए आपको भी आए। ग्रेट। अगर आप अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो कैसा चल रहा है अभी आपका एक्सपीरियंस एज अ होस्ट? एज अ होस्ट ये बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें न मैं खुद प्रतीक गांधी हूँ, ना ही मैं कोई किरदार हूँ, मैं सिर्फ ऑडियंस का एक दोस्त हूँ जो उन्हें तक ये कहानियाँ पहुँचा रहा है और कुछ प्रश्न के साथ उन्हें छोड़ देगा ताकि आप उन पर विचार कर पाओ। ग्रेट। आपको फैंस ऑडियंस क्या कुछ रिस्पॉन्स है आपके इस नए प्रोजेक्ट्स को लेकर? ये काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हैं, अभी परसों ही हमने देखे थे कुछ रिस्पॉन्स के वीडियोज़ एंड ऑल, पीपल आर लाइकिंग इट। और वैसे ही ये इसका सेकेंड सीज़न है क्राइम्स आजकल का, पहला सीज़न लोगों ने इतना ही सराहा था, तो आई एम श्योर पीपल आर एंजॉइंग दिस। और आप क्या कुछ सीख रहे सर एज एन होस्ट की अपने लाइफ में कुछ चेंज आएगा 2024 में? चेंज का तो पता नहीं, पर मैं सीख बहुत कुछ रहा हूँ कलाकार के तौर पे, क्योंकि जब आप एक होस्ट बनते हो तो अब आप अपनी सारी डिसीजन, सारी विचारों को अलग रख के एक दोस्त के तौर पे ऑडियंस तक पहुँचना चाहते हो, तो ये एक नई बात थी मेरे लिए। एंड आगे सर अभी आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जहाँ कुछ नया नज़र आएगा? अब मैं गांधी पर एक वेब सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जो हंसल मेहता डायरेक्ट करने वाले हैं, तो उसी के लिए अभी तो प्रेपरेशन चल रही है। अपने फैंस ऑडियंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया साल आपका बड़ा शुभ हो ऐसी शुभकामना करता हूँ।